हेलो दोस्तों, तो आज है 11 सितंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विथ एजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए 7 सितंबर, बी 9 सितंबर, सी 8 सितंबर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी 9 सितंबर। हाल ही में 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों पर बैन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए WHO, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी FSSAI, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी FSSAI। दोस्तों, हाल ही में FSSAI ने स्कूल में जंक फूड के विज्ञापनों को बैन किया है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए नई दिल्ली एयरपोर्ट, बी मुंबई एयरपोर्ट, सी हैदराबाद एयरपोर्ट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी मुंबई एयरपोर्ट। दोस्तों, हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा शुरू हुई है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए अपना मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी हरियाणा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी हरियाणा। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉक्स लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए हेमंत लोखंडे, बी RF नरीमन, सी विजयंत रोहतगी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी RF नरीमन। दोस्तों, हाल ही में RF नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए हमारे सिक्स क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारे सिक्स क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए बैंक ऑफ इंडिया, बी ICICI बैंक, सी HDFC बैंक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए सेवन क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी कर्नाटक। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको हम एक और बात बता देना चाहते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे एक ब्लॉग की लिंक दी है, जिस पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको IPL क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, तो हम हमारे सेकंड ब्लॉग की लिंक भी दे देंगे, जिसमें जाके आप IPL के लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा एट्थ क्वेश्चन है,
हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए विजय केलकर, बी अनिल जैन, सी सुमंत अहूजा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी अनिल जैन। दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। चलिए हमारे नाइन्थ क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी अफगानिस्तान। दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है। चलिए हमारे टेंथ क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हमारा टेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी महाराष्ट्र। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने एडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? हमारे ऑप्शंस है ए 1200, बी 900, सी 500 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी 500 डॉलर, 500 मिलियन डॉलर। हाल ही में भारत सरकार ने एडीबी के साथ 500 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो चलिए हमारे 12th और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।